बहुत शुक्रिया आज़म भाई, जनाब सलमान साहब, जनाब अदीब साहब, जनाब दानिश साहब, जनाब जफ़र साहब, जनाब अकबर साहब और तमाम हाज़रीन महफिल। कल से जब हम लोग आए यहाँ और जो इंटरेक्शन हुआ उससे बहुत हौसला हम लोग का बढ़ा, और जो बात जो सोच हम लोग ले करके चल रहे हैं उसके करने उसके समझने की ये सबसे अच्छी कहा जाए जगह है जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और वो अपने आप में एक मिसाल है यहाँ की कि उसने जनरेशन्स, यानी एक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लगाइए ऐसा दरख्त है कि वो जनरेशन टू जनरेशन फल देगा, और जो 40-45 साल से यहाँ सबको दे रहा है। एक बहुत बुनियादी बात है और सिर्फ एक बात ही मैं आपके सामने रखूँगा, और सिर्फ इसी बात को हम लोग आगे लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बात सिर्फ ये है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान का एक रिश्ता है। वो रिश्ता एक ज़माने से है। आज जो कोशिशें हो रही हैं, हमसे पहले जो स्पीकर्स बोल के गए यहाँ के मुकामी, वो उसके अलग अलग सिम्टम्स बता रहे थे कि वो रिश्ता जो है वो टूट रहा है। कोई ताकत, कोई सोच उस रिश्ते को तोड़ रही है। हमारा काम क्या है कि जो ताकत रिश्ते को तोड़ रही हो उसका हम जवाब कैसे दें, किसी और तोड़फोड़ से दें? कोई भाई भाई का रिश्ता हो, उसको कोई बाहर वाला या अंदर वाला उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, उसको अलग करना चाह रहा हो, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम उस रिश्ते को जोड़े रखना है, उस रिश्ते को बनाए रखना है, उस रिश्ते को मजबूत करना है। हमारी तदबीर क्या होगी? रिश्ते को जोड़ने की तदबीर होगी। अब आप तमाम चीज़ें देखिए जो रॉइट्स के कंटेक्स्ट में होती हैं, जो सोशल मीडिया पे आती हैं, वो सब चीज़ें आप इसी डिफिनेशन में फॉल कर जाएंगी कि वो ऐसी बात कर रही हैं कि रिश्ता टूटे, फासला बढ़े। ये जो तदबीर यहाँ के ऊपर की जा रही है, ये सब लोग इसी फिक्र के साथ इकट्ठा हुए हैं कि अब इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए। रिश्ते को बचाना, उसको आगे बढ़ाना, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा, कौम आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमारा मकसद, उनका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना है रिश्ते को तोड़ के, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है अमन को पैदा करना है। हमारा बुनियादी मकसद कि अमन वजूद में आए। अमन को वजूद में लाने के लिए हमें रिश्ते को मजबूत करना होगा। उस फिक्र, उस सोच को का एक खाका ये आपके सामने पेश किया गया है। ये वो खाका है जिसके अंदर उसके कहा जाए कि ये जो ढांचा है उसके अंदर उसकी ज़िले की लेवल पे होंगे, सूबे के एतबार से होंगे, मगर ये एक ढांचा उस सोच के साथ है, और सोच जोड़ की है, तोड़ की नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की नहीं है। ये ना हमारा कभी अंदाज था, ना हमारे कुरान हदीस की रोशनी में, ना किसी भी एतबार से ये हमारा अंदाज बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे किया जाए, इसके लिए आप अपने आप को पेश करें, आप अपनी बात को पेश करें। आपकी बात हम यहाँ सुनने के लिए आए हैं, सबको जोड़ने के लिए आए हैं, और इसको क्योंकि आपका जो जो हमेशा से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपका जो कहा जाए इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव जो आपका है या जो आपकी पहुंच है, वो हमारे यहाँ नॉर्थ के एतबार से आप बहुत आगे हैं, तो आप तो हमें इसके अंदर लीड कर सकते हैं, वो बातें कह सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे आपने अपने सिस्टम को बनाया है वैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ के ऊपर हम लोग आपसे ये सुनने के लिए, नोट करने के लिए, देखने के लिए आए हैं। आप अपनी बात को रखिए, हम लोग उसको सुनेंगे, उसको नोट करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन हमारी सोच और फिक्र यही है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।